हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ओमकार और आज के वीडियो में मैं आपको फर्स्ट लुक दिखाने वाला हूँ ह्युंडई अल्कांतारा का, अल्कांतारा का। सुनने में इस गाड़ी का जो नाम है वो एक पोकेमोन की तरह लगता है, पर प्रैक्टिकली जो गाड़ी है वो काफ़ी तगड़ी है। आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं, गाड़ी की जो लुक्स है वो भी काफ़ी तगड़ी है। एंड इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। ये वाला जो वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको इसका जो डिज़ाइन है वो पूरा बताने वाला हूँ, आपको फीचर्स वगैरह बताने वाला हूँ, इसका जो मतलब आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर हम ड्राइव रिव्यू देने की कोशिश करेंगे। इसका जो ड्राइव रिव्यू का सेकंड पार्ट है वो 10-15 दिन में आ जाएगा, सो उसके लिए आप नीचे कमेंट भी डाल सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम इस गाड़ी की जो है वो पूरी की पूरी डिज़ाइन और फीचर्स देखने वाले हैं, तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये है ह्युंडई अल्कांतारा, इसकी एक्सटर्नल डिज़ाइन से स्टार्ट करता है। अगर मैं आपको इसके फ्रंट में दिखाऊँ तो आप इसकी एक बार हेडलैम्प्स देख लीजिए, जो न्यू क्रेटा है 2020 की, उसी की तरह आपको इसके अंदर पूरी हेडलैम्प्स और सामने की डिज़ाइन मिलती है। बस यहाँ का बीच में का जो ये पार्ट है ये पूरा चेंज किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको छोटे छोटे क्रोम के पीसेस मिलेंगे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता है। देन यहाँ पे इसके अंदर आपको कैमरा मिलेगा, 360 कैमरा है इस गाड़ी के अंदर, सो यहाँ पे आपको एक कैमरा मिलता है, आगे बड़ा सा ह्युंडई का लोगो। देन अगर मैं हेडलैम्प्स की बात करूँ तो यहाँ पे ऊपर के साइड में आपको DRLs मिलती है, यहाँ पे आपको कुछ DRLs मिलती है, एंड बीच में आपको LED रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स मिलती है, काफ़ी अच्छी थ्रो है इसकी, पर अभी उजाला ज़्यादा है तो आपको ठीक से जस्टिस नहीं होगा। देन नीचे के साइड में यहाँ पे फॉग लैम्प्स है, और यहाँ पे इसके अंदर आपको डायमंड कट अलॉयज़ मिलते हैं जो कि है 18 इंचेस के। आपको फ्रंट एंड रियर में दोनों साइड में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, तो ब्रेकिंग जो होने वाली है इस गाड़ी के अंदर वो काफ़ी तगड़ी होने वाली है। देन अगर साइड लुक की बात करूँ तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो गाड़ी है ये क्रेटा का एक्सटेंडेड वर्जन है, तो कुछ तो भी शायद से 143 mm से इस गाड़ी की जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी हुई है। इसकी अगर आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस चाहिए हो तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आ रहे हैं वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके अंदर कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता है, सो वो आप स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए। देन डोर हैंडल्स आप यहाँ पर देख लीजिए, डोर हैंडल्स कुछ इस तरह से खुलते हैं, थोड़े से अलग यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं, काफ़ी तगड़े लगते हैं ये भी। और ये है इसका रेयर फेशिया, रेयर फेशिया आपको बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है, क्योंकि जैसे कि ये एक ह्युंडई जो क्रेटा है उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, तो उसके हिसाब से जो ह्युंडई क्रेटा है वो कुछ इस तरह की दिखती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्युंडई क्रेटा, यहाँ पर 2020 का मॉडल है, एंड देन यहाँ पर आप अल्कांतारा देख सकते हैं, आपको इतना डिफरेंस मिलता है रियर साइड में, सो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन जो टेल लैम्प्स है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखती है, यहाँ पे अल्कांतारा की बैजिंग, और यहाँ पे आपको रियर साइड में भी पार्किंग कैमरा मिलता है। बेसिकली इसके अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा ही मिलता है, सो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको यहाँ पे नीचे भी कैमरास मिलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, सो आपको 360 व्यू जो है वो इसके अंदर मिलता है। देन यहाँ से आप इसकी लुक देख सकते हैं, मुझे पर्सनली इसके जो लुक्स है वो काफ़ी तगड़े लगे, जो एजेस है मतलब वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी कॉर्नर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक दिखती है इसकी वजह से। एंड देन बॉडी लाइटिंग भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की बॉडी लाइटिंग मिलती है, जो गाड़ी की लुक है वो काफ़ी बल्की बन जाती है इसकी वजह से, सच में आप देख सकते हैं। क्रेटा से थोड़ी सी ही बड़ी है, पर अगर आप रियल लाइफ में देखें तो आपको बहुत ज़्यादा लंबी दिखती है, यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लंबी दिख रही है। एंड देन मैं आपको एक बार क्रेटा दिखाता हूँ, यहाँ पे आप क्रेटा भी देख लीजिए, ये सामने क्रेटा है, सो साइज़ आप डिफरेंस देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। ऊपर के साइड में भी एक बार देख लीजिए, ऊपर के साइड में आपको एक बड़ा सा सनरूफ आता है, आपको पूरा ही यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ मिलने वाला है। देन तो अभी हम सीधा चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, सो
यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर आपको जैसे कि कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन मिलता है। सो यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है, बस आपको की पॉकेट में रखनी है और ये बटन दबा के आप इस गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। देन ये है इसका इंटीरियर, ड्यूअल टोन में इसका इंटीरियर है, ब्राउन एंड ब्लैक कलर में पूरा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ब्राउन कलर का थोड़ा सा प्लास्टिक का फिनिश मिलता है, यहाँ पे आपको लेदर का फिनिश मिलता है। देन डोर के अंदर यहाँ पे चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग के कंट्रोल्स, एंड देन यहाँ पे आपको जो ये साइड मिरर है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और एक आपको यहाँ पे फीचर मिलता है जिसकी ये सीट्स यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलती है। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो सीट्स है वो यहाँ से पूरी ही इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट होती है। सो ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर मिलता है। देन अगर मैं इस गाड़ी के अंदर जाऊँ, सो यहाँ पे आप इसका इंटीरियर पूरा ही अंदर से ठीक से देख सकते हैं। जो स्टेयरिंग है वो आप एक बार देख लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। यहाँ पे आपको 4-स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिलता है, सो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी कूल लगता है। देन यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कुछ अलग ही इसके ऊपर कंट्रोल्स मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ तो वॉइस का यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे मोड के आपको फीचर्स मिलते हैं। यहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, यहाँ से आप कॉल रिसीव कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ से आप जो आपकी स्क्रीन है इन्फोटेनमेंट स्क्रीन वो भी आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। सो ये आपको कुछ फीचर्स इसके अंदर स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मिलते हैं। देन अगर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँ, तो यहाँ पर हम इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, और ये यहाँ पे आप इसका डिस्प्ले देख लीजिए, आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का यहाँ पे एक बड़ा सा डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले आप एक बार चेक कर लीजिए, जो लुक है इससे काफ़ी तगड़ा आता है गाड़ी के अंदर। सो देन इसके अंदर मैं अगर आपको ऑप्शंस दिखाऊँ, तो यहाँ पे मैप, नेविगेशन, रेडियो, मीडिया, काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम होम में जाए तो आपको होम में भी और भी ऑप्शंस मिलते हैं, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सो ये है इसका मेन्यू। देन यहाँ पे आपको और भी कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, ब्लू लिंक का आपको जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, जो कि एक ह्यूंडई का खुद का कुछ तो भी ऐप है, जिसके अंदर से आप गाड़ी का जो एसी वगैरह है वो भी ऑन कर सकते हैं उनके खुद के ऐप से। देन यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो आपको मिलता है, एप्पल कार प्ले सपोर्टेड मिलता है, और भी आपको कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं। वॉइस मेमो नाम का एक नया फीचर है, यह आपको इसके अंदर मिलता है। इससे आप वॉइस से जो है कुछ गाड़ी के फीचर्स ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि एमजी हेक्टर के अंदर फीचर्स आते हैं, उस तरह के आपको कुछ इसके अंदर ऑप्शंस मिलते हैं। देन कॉस्मेटिक चेंजेस आपको बहुत सारे मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर, जिसकी एक क्रेटा का अपग्रेडेड वर्जन है। सो आपको इंटीरियर काफ़ी तगड़ा मिलता है। देन एसी वेंट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी भी लुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी प्रीमियम से लुक में आपको ये पूरी चीज़ें मिलती है। अगर आप डैशबोर्ड भी देखें तो यहाँ पे आपको ब्राउन कलर का फिनिश मिलता है, थोड़ा लेदर टाइप का फिनिश है, बट है तो ये प्लास्टिक ही। देन डोर्स आप फिर से एक बार देख सकते हैं, ये है इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, अभी बूट खुली है शायद से, तो यहाँ पे आपको रेड रेड दिख रहा होगा। एंड आपको इसके अंदर 240 की टॉप स्पीड मिलती है। जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर वो एक बार आप फिर से देख लीजिए, ये आपको पूरा ही डिजिटल फॉर्म में मिलता है, काफी तगड़ा लगता है। देन यहाँ पे आप एसी के कंट्रोल्स वगैरह देख सकते हैं, इसके अंदर आपको थोड़े बैकलाइट्स मिलते हैं। यहाँ पे नीचे पोर्ट्स है, यहाँ पे एक फास्ट चार्जिंग का भी यूएसबी पोर्ट है, एक नॉर्मल यूएसबी पोर्ट है, एंड देन 12 वोल्ट का डॉक है यहाँ पे। और जैसे कि ये एक मैनुअल गाड़ी है, तो इसके अंदर आपको 6-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है, और यहाँ पे आपको व्यू मिलता है, तो यहाँ पे 360 व्यू आप देख सकते हैं। एक बार 360 व्यू आपको कुछ इस तरह से मिलता है, आप इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, मुझे पता नहीं है कैसे ऑपरेट होता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको 360 व्यू इसके अंदर मिलता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड देन अभी हम इसको बंद कर लेते हैं, और यहाँ पे एक बार और एक चीज़ देख लीजिए, इसके अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है, तो ये काफ़ी तगड़ा ऑप्शन है। इस गाड़ी के अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती है। एंड और एक फीचर इसके अंदर आपको जो पार्किंग ब्रेक रहता है वो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है, आपको कोई भी लीवर खींचने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली पूरा ऑपरेट होगा। देन यहाँ पे भी आपको एसी की कूलिंग मिलती है, यहाँ पे अभी मैंने हाथ लगाया जस्ट, तो यहाँ पे भी एसी के वेंट्स है, यहाँ से भी ठंडी ठंडी हवा बाहर निकल रही है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपको हैंडरेस्ट के अंदर एसी के वेंट्स मिल रहे हैं, मतलब आपको हाथ के लिए भी काफ़ी ठंडक यहाँ पे मिलने वाली है। देन यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज की स्पेस है, और ये शायद से थोड़ा कूल बॉक्स जैसा काम कर रहा है, यहाँ पे पूरा ही कूल हो रखा है, तो ये मुझे शायद पता नहीं ठीक से। देन यहाँ पे दो ग्लास होल्डर्स है, और बाकी आप जो आगे का इंटीरियर है वो पूरा ही देख सकते हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पे सनग्लास होल्डर मिलता है, देन यहाँ पे सनवाइजर्स आप देख सकते हैं, और ये है इसका सनरूफ, तो सनरूफ भी आप देख सकते हैं, बड़ा सा आपको पैनोरामिक सनरूफ इस गाड़ी के अंदर मिलता है। सनरूफ मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, सो ये आप यहाँ पे सनरूफ देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा सनरूफ है, और अभी ठंडी ठंडी हवा ऊपर से आनी चालू हो चुकी है, बहुत ही अच्छा लगता है सनरूफ ओपन करने के बाद।
इतना बड़ा सनरूफ खासकर हो तो काफ़ी मज़ा आ जाता है भाई। देन अभी हम ये गाड़ी यहाँ से बंद कर लेते हैं और चलते हैं रेयर साइड में, क्योंकि रेयर साइड में भी काफ़ी मज़ा है। रेयर साइड में इसके अंदर आपको थोड़े अलग ऑप्शंस मिलते हैं क्योंकि ये है इसकी रेयर साइड। रेयर साइड का डोर भी काफ़ी तगड़ा है। रेयर साइड में आपको ये जो सनवाइजर्स रहते हैं आपको ये भी मिलते हैं, इससे आप धूप से जो ये बच सकते हैं। ये आपको काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, जो लग्जरी कार्स रहती है उनके अंदर ये फीचर आता है। देन पीछे का भी डोर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसके अंदर भी बोस के स्पीकर्स है। बोस की बैजिंग हर जगह पे हो रखी है, आप सोच सकते हैं कि कितने अच्छे फीचर्स मिलते हैं। एंड देन ये है इसकी रेयर सीट्स। रेयर सीट भी काफ़ी तगड़ी है। पीछे की सीट्स भी देख लीजिए, यहाँ पे पीछे दो लोग बैठ सकते हैं। इसके अंदर आपको सिक्स सीट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे पीछे दो लोग बैठते हैं, यहाँ पे बीच में दो लोग बैठते हैं, यहाँ पे आपको पायलट सीट्स मिलते हैं। देन यहाँ पे आप इसका हैंडरेस्ट भी देख सकते हैं। इसके अंदर भी आपको एक स्टोरेज स्पेस मिलती है काफ़ी अच्छी खासी। देन यहाँ पे दो कप होल्डर्स है, यहाँ पे भी आपको एक फ़ोन रखने के लिए जगह मिलती है शायद से। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर भी मिलता है। एंड देन आगे भी यहाँ पे शायद से वायरलेस चार्जर था, मुझे कन्फर्म पता नहीं, पर यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए कि ये वायरलेस चार्जर है या नहीं। देन ग्लव बॉक्स भी मैं आपको दिखाना भूल गया, पर एक नॉर्मल सा आपको इसके अंदर ग्लव बॉक्स मिलता है। डैशबोर्ड की लुक आप पीछे से भी एक बार देख सकते हैं, काफ़ी तगड़ी लुक है। एसी के वेंट्स भी काफ़ी यूनिक शेप में दिए हैं। इससे जो इस गाड़ी का इंटीरियर है वो काफ़ी मतलब एक प्रीमियम स्टाइल में लगता है। पीछे से भी एक बार आप इसका सनरूफ देख लीजिए, पीछे से भी काफ़ी तगड़ा लगता है ये। देन यहाँ पे एकदम जो रेयर पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी एसी के वेंट्स है। एक बार मैं आपको पीछे ही जाके बताता हूँ, पर उससे पहले आप यहाँ पे लेग स्पेस जो रहती है वो भी देख लीजिए। जो इनोवा के अंदर जैसे ट्रेज आते हैं यहाँ पे फूड रखने के लिए या कुछ रखने के लिए, वैसे यहाँ पे आपको ट्रेज भी मिलते हैं, पर अभी यहाँ की जो प्लास्टिक है वो नहीं निकली है, अभी मैं ये नहीं खोलूँगा। अभी हम चलते हैं रेयर साइड के अंदर। जो यहाँ के भी सीट्स है उसकी भी आप क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ है सीट्स है। देन अभी हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से सीट फोल्ड होते हैं एंड देन हम जा सकते हैं यहाँ पे पीछे के सीट्स के ऊपर। यहाँ पे आप लेग स्पेस देख सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए काफ़ी कम्फर्टेबल है। मेरी हाइट जो ये 6 फीट है, तो मेरे लिए ये इतना ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं है। देन यहाँ पे पीछे के साइड में भी जैसे कि मैंने बोला एसी के वेंट्स है। यहाँ पे आप रेयर साइड में भी देखें तो बोज के पूरे ही स्पीकर का सेटअप लगा हुआ है। ये आपको काफ़ी तगड़ी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर मिलती है। देन रेयर साइड में भी यहाँ से आप ब्लोअर की स्पीड आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। पीछे के साइड में भी यहाँ पे यूएसबी के पोर्ट्स है, यहाँ पे कप होल्डर्स वगैरह है, कुछ सामान रखने के लिए जगह है। एंड देन गाड़ी आप फिर से पूरी देख सकते हैं पीछे से। आपको इसके अंदर ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलता है, वैसे तो हर गाड़ी के अंदर अभी ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल रहा है। देन कुछ इस तरह से थी ये ह्युंडई की अल्ट्राज़ार। क्रेटा का थोड़ा सा बड़ा वर्जन था, मतलब बड़ा भाई था जो बाद में पैदा हुआ। अगर इसके अंदर की कुछ चीज़ें मिस आउट हो गई रहेगी तो हम इसका जो ड्राइव रिव्यू निकालने वाले हैं, इसका जो फुल रिव्यू निकालने वाले हैं, उसके अंदर वो चीज़ें हम कवर कर लेंगे, तो वो वीडियो भी आप देखना ना भूले। उसके लिए आपको मेरा चैनल जो ये सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको क्लिक करना पड़ेगा, और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको जो मेरे आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। देन अगर हम इस गाड़ी के प्राइस के बारे में बात करें तो इस गाड़ी के जो बेस मॉडल की प्राइस है वो स्टार्ट होती है 16,30,000 एक शोरूम से। देन सिटी के हिसाब से इस गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस है वैरी होती है, शायद से कुछ तो भी 18-19 लाख के अराउंड आपको ऑन रोड प्राइस बेस मॉडल की पड़ेगी। देन हमने ये जो स्पेसिफिक मॉडल देखा ये एक सिग्नेचर मॉडल था। अगर हम इस गाड़ी के प्राइस के बारे में बात करें तो अगर आपको इन फीचर्स के साथ ये गाड़ी चाहिए हो तो इसके लिए आपको 18,80,000 एक शोरूम पे करने पड़ेंगे, और मतलब इसकी ऑन रोड प्राइस जो ये और भी थोड़ी ऊपर जाएगी, 20 लाख के अराउंड आपको इस गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस है वो पड़ने वाली है। देन अगर आपको इस गाड़ी को लेकर और भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ नासिक के उज्ज्वल ह्युंडई को, जिन्होंने हमें ये गाड़ी रिव्यू के लिए अवेलेबल करवा दी। थैंक यू सो मच। और अगर आपको नासिक में ये गाड़ी लेनी हो, अगर आपको नासिक में अल्ट्राज़ार देखनी हो, तो आप नासिक के उज्ज्वल ह्युंडई में आके विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी जो ये सर्विस मिलेगी, हॉस्पिटैलिटी मिलेगी। अगर आपको ये गाड़ी लेनी हो, अगर आपको ह्युंडई की कोई भी गाड़ी लेनी हो, तो आप यहाँ पे आके ज़रूर विजिट कर सकते हैं। आपको बस पाथरडी फाटा के आगे आना पड़ेगा, एक्सप्रेसन होटल के आगे आपको आना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको इनका जो ये शोरूम देखने को मिलने वाला है। देन आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो को लेके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली एसी अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।